तो मैं आपको बता दूं, ऐसे थंबनेल आप बना सकते हो, वो भी चुटकियों के अंदर। तो आज मैं आपको सिंपल ट्रिक बताने वाला हूं जिसके अंदर आप हाई क्वालिटी का अट्रैक्टिव थंबनेल बना सकते हो। तो सबसे पहला काम कि आपको यहां पे इनशॉट एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है। इनशॉट एप्लीकेशन ओपन करने के बाद यहाँ पर फोटो पर क्लिक करना है, फोटो सिलेक्ट कर लेना है गैलरी के अंदर। उसके बाद आपको यहाँ पर उसे रोटेट कर लेना है। रोटेट करने के बाद इसे आप जूम आउट जूम इन भी कर सकते हो, बिल्कुल थंबनेल की तरह। उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, राइट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ हमें टाइटल ऐड करना है। तो टाइटल थंबनेल का क्या होना चाहिए, थंबनेल तो आप अपने तरीके से जो भी टाइटल देना चाहें वो दे सकते हो। तो सिंपली यहाँ पे मैं कुछ टाइटल ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद इसका कलर आप चेंज कर सकते हो और टाइटल का बैकग्राउंड भी आप चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग और थंबनेल के अकॉर्डिंग जैसा आप बना रहे हो। उसके बाद एक एक करके सारी चीज़ मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, एडिटिंग ऐड कर लेता हूँ क्योंकि हमें वही थंबनेल बनाना है जो वीडियो के ऊपर था। उसके बाद सिंपली हमें एरो PNG ऐड करना है। तो सिंपली यहाँ पे इमोजी पे क्लिक करना है, स्टिकर लिखा हुआ है उसके पास में आपको इमेज का ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ से आपको एरो सिलेक्ट कर लेना है अपनी गैलरी के अंदर। तो किस तरीके से आप PNG डाउनलोड कर सकते हो एरो का, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ लास्ट में। तो इस तरीके से आपको सेट कर लेना है, सारी चीज़ें एज यूजुअल आप सिंपली कर सकते हो इस एप्लीकेशन के अंदर। तो उसके अलावा हमें क्या ऐड करना है, एक और टाइटल ऐड करना है इन। उसके बाद 5 मिनट्स भी हमें ऐड करना है। तो यहाँ पे सिंपली 5 लिख लूँगा। 5 लिखने के बाद यहाँ पे कलर फॉन्ट हमें चेंज करना पड़ेगा, तो कलर हमें चेंज कर लेना है यहाँ पे, और फॉन्ट भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो सिंपली ये वाला कलर अच्छा लग रहा है तो ये वाला कलर हम ऐड कर लेते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट हमें काम करना है, मिनट्स लिख लेना है। मिनट्स लिखने के बाद उसकी साइज़ एडजस्ट कर लेनी है, कहाँ पे वो सही शो हो रहा है, सही लग रहा है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो सिंपली उसका पॉइंट भी हम चेंज कर लेंगे। तो इस तरीके से ये बिल्कुल अट्रैक्टिव लग रहा है। देन उसके बाद हमें एक और पिक्चर ऐड करनी है, वो ऐड करनी है इस तरीके की। और इस तरीके की पिक्चर आप सिंपली सारी बना सकते हो एक ही एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन मैं बताऊंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी बना कर रखी थी तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, तो वो भी आप बना सकते हो। तो उसके बाद हमें यहाँ पे एक इमोजी ऐड करना है, तो इस तरीके का इमोजी। और उसके अलावा हमें फ़ोन के अंदर जो लगाया है उसके अंदर एक टाइटल देना है, इन फोन। तो सिंपली यहाँ पे हम एडजस्ट कर लेंगे इसकी साइज़। तो इस तरीके से आप भी ऐसा ही अट्रैक्टिव थंबनेल बना सकते हो जिस तरीके से मैंने बनाया। तो अब बारी आती है एप्लीकेशन की। तो एप्लीकेशन की सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और वहाँ पे आप सारी चीज़ें देख सकते हो। लेकिन उसके अलावा मैं आपको बता दूँ, सबसे पहली एप्लीकेशन आपको गोकट डाउनलोड कर लेनी है, उसके बाद इनशॉट, उसके बाद पिक्सल लैब। ये तीनों एप्लीकेशन अमेजिंग एप्लीकेशन है, आप इसे यूज़ कर सकते हो और ऐसे ही अट्रैक्टिव थंबनेल बना सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप मेरी वीडियो पे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थंबनेल बनाओ और मज़े करो।